तो आप लोगों में से यहाँ पे चींटियों से कितने लोग परेशान हुए हैं? बहुत परेशान करती है चींटियाँ। एक्चुअली पिछले साल बरसात की बात है, मैं बैठा था अपने अपने ड्राइंग रूम में और मैं थोड़ा परेशान था अपने लाइफ में। कुछ चल रहा था ऐसा जिससे मैं थोड़ा परेशान था और मेरे सामने चींटियाँ चल रही थी, वो मुझे और परेशान कर रही थी। उन चींटियों को देख कर ना मुझे एक बहुत मेरी पुरानी एक कहानी याद आ गई मेरे लाइफ की, जब मैं स्कूल में था बचपन में। याद नहीं है क्लास 5 या क्लास 6 में था मैं, मेरे कॉपी पे एक चींटी चल रही थी। तो उस चींटी को ना ऐसे मैंने गोल अपने पेन से ऐसा उसके साइड उसके चारों ओर से गोल बना दिया। तो आप ध्यान दोगे ना, जब चींटी चलती रहेगी और आप कोई लाइन खींच दोगे वो उसको पार नहीं कर पाती है, तो वो उस गोल को बार बार दूसरे दूसरे डायरेक्शन से कोशिश कर रही थी पार करने की। एक जगह ना जहाँ शुरू किया था, जहाँ से मैंने, और वहाँ पे जहाँ पर ख़त्म किया था मैंने उस गोल को, वहाँ पे थोड़ा सा गैप था, तो चींटी ट्राई करते करते निकल जाती है उससे। ऐसे बहुत सारे गोल बनाए थे मैंने उस दिन पेज पे। फाइनली ना मैंने क्या कि एक बड़ा सा स्क्वायर बनाया और बहुत गाढ़ा सा स्क्वायर बनाया उस पेज पे, ताकि वो चींटी निकल ना पाए। बहुत देर ट्राई करते रह गई वो, चारों ओर से वो ट्राई कर रही थी। थोड़ी देर वेट करने के बाद मैंने देखा कि वो उस पेज में ना एक छोटा सा होल करके अंदर से निकल गई। तो यार उस दिन ना, और मेरे सामने भी चींटियाँ थी, तो चींटियों ने उसे मुझे इंस्पायर कर दिया यार। मैं वैसे ही परेशान था तो मैंने चींटियों पे थोड़ा गूगल किया, तो मैंने देखा चींटियाँ 100 मिलियन साल पुरानी स्पीशीज हैं एंड दे सर्वाइव द एपोकेलिप्स 65 मिलियन ईयर्स अगो, जो डायनासोर सर्वाइव नहीं कर पाए थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर इन चींटियों की कहानी। और फिर मैंने और देखा तो मैंने पाया कि ये चींटी हमेशा झुंड में रहती हैं, 2000 के झुंड में कम से कम होती हैं, और उन 2000 झुंड की सारी चींटियों के ब्रेन सेल्स को आप अगर मिलाएंगे तो वो ह्यूमन ब्रेन, एक ह्यूमन ब्रेन सेल्स की मतलब एक इंसान के अंदर जितने ब्रेन सेल्स होते हैं उसके बराबर होता है। तो चींटियाँ भले दिखें छोटी पर जब सूंड में घुसती हैं तो हाथी को भी हरा देती हैं। और हम ह्यूमन ब्रेन सेल्स की बात करें तो हमारे अंदर क्या है ना, कुछ भी कोई बोलता है तो पहले एक तस्वीर बनती है। जैसे एप्पल, तो हमारे दिमाग में एक एप्पल बनता है। वैसे जो हम परेशान होते हैं तो हमारे दिमाग में अंधेरा रहता है, जो हम खुश होते हैं तो बहुत उजाला होता है। तो ये प्रकाश और अंधकार के बीच में एक इक्वैनिमिटी, एक समभाव लाने के लिए मैंने छोटी सी कविता लिखी है जो मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। इस कविता का शीर्षक है प्रकाश और अंधकार। प्रकाश और अंधकार में क्या फर्क है, ये तो साथ है जमानों का, सदियों और सभ्यताओं का। प्रकाश है शुरुआत तो अंधकार अंत है, प्रकाश और अंधकार का ये साथ सत्य है। प्रकाश लाए रोशनी, ये रोशनी दे रास्ता। प्रकाश लाए रोशनी, ये रोशनी दे रास्ता। रास्तों पे थक गया, विश्राम था वो चाहता। थे पल भरे सुकून के वृक्ष के उस छांव में, जो ताकते वो सो गया था रात के अंधकार में। हो चांदनी की रात या तारों की एक बारात हो चांदनी की रात या तारों की एक बारात हो, वो दृश्य जिस पे मुग्ध था अंधकार का श्रृंगार वो। और मांडुक्य उपनिषद में एक बहुत छोटा सा रेफरेंस और एक बहुत सरल सा उदाहरण है सत्य असत्य के बीच का, कि अंधकार में एक रस्सी सांप लगने लगता है और जैसे ही रोशनी आती है तो पता चलता है दरअसल वो सांप नहीं, एक रस्सी है। तो उसके ऊपर मैंने छोटा सा 4 लाइन लिखा है कि प्रकाश से जो सत्य है अंधकार उसका तथ्य है। प्रकाश से जो सत्य है अंधकार उसका तथ्य है। प्रकाश में जो सिद्ध है अंधकार से प्रसिद्ध है। थैंक यू। प्रकाश से है साहसें, अंधकार से है साहसी। प्रकाश से है साहसें, अंधकार से है साहसी। प्रकाश की हर बात में अंधकार उसके साथ है। और दोस्तों, कौरव हो या पांडव, रावण हो या श्री राम, सम्मान हमेशा उसकी हुई है जो लड़ा है। थैंक यू।